हाँ दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने को सिखाओ चैनल में और मैं मैहुन अदीम खान दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल से फ़ोटो में कपड़े चेंज करने का तरीका बताऊंगा आप फ़ोटो में जो भी कपड़े पहने उन कपड़ों को हटा करके आप उसकी जगह पर कोट पैंट ब्लेजर शेरवानी कुर्ता पजामा पैंट शर्ट टी शर्ट लोअर हुडीज जैसे भी आप चाहो कपड़े पहन सकते हो फोटो में कपड़ों को चेंज कर सकते हो आपने फ़ोटो में कपड़ों को चेंज किया कोई भी पहचान नहीं पाएगा बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटो लगेंगे ब्रांडेड कपड़े होंगे आपका फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा लगेगा आप उस फोटो को व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड करके काफ़ी ज़्यादा लाइक भी पा सकते हो तो कैसे चेंज करना है फोटो में कपड़े वो आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पर चलना होगा गूगल पर चल करके आपको यहाँ पर लिख के सर्च करना है रिमोव डॉट बी जी ये वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है तो यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा फिर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है तीन लाइन जो दिख रही है यहाँ पर क्लिक करना है नीचे बढ़ के आना है यहाँ पर आपकी गैलरी मिल जाएगी तो आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है तो आप जिस भी फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हो कपड़े चेंज करना चाहते हो उस फ़ोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है तो इस वेबसाइट से फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड रिमूव होगा बैकग्राउंड हटेगा बैकग्राउंड हटाने के बाद ही आप फोटो में कपड़ों को चेंज कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फोटो इसमें दिवाल है और ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया ये खाली फोटो बचा है बैकग्राउंड हट गया है तो हमें इसको डाउनलोड कर लेना है बैकग्राउंड हटाने के बाद ही हम फोटो में कपड़ों को चेंज कर पाएंगे तो फ़ोटो डाउनलोड हो गया अब हमें इस वेबसाइट का काम नहीं हट जाना है यहाँ से अब आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है इस ऐप का नाम है मैन फोटो शूट दो तो इसको ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को अब स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर गैलरी पर क्लिक कर देना आपने जो आपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया था उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और फोटो को ऊपर से पूरा ले लेना है लेकिन नीचे से जो है गर्दन तक का सेलेक्ट रखना है और डन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर सूट का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर बहुत सारी ड्रेस आ रही हैं ब्लेजर वाली ड्रेस आ रही हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको ड्रेस अच्छी लगती है उस ड्रेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है उस ड्रेस पे ही आप अपना फोटो सेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोट पैंट मिल जाएंगे कोट पैंट के सारे सूट आ रहे हैं तो इसमें से जो अच्छा लगता है उस पर आप अपना फोटो सेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ब्लेजर है कुर्ता पायजामा बास्कट ये सारे ड्रेस आ जाएंगे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेस हैं तो आप देख सकते हैं जो भी आपको ड्रेस अच्छी लगती है उसमें आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर पुलिस है नेवी आर्मी फ़ौजी सारी ड्रेस यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे अरब वाली ड्रेस आ गई हैं यहाँ पर स्वेट शर्ट हुडिस वाली ड्रेस आ रही हैं और यहाँ पर टी शर्ट वाली भी यहाँ पर ड्रेस आ रही हैं तो इतनी सारी इसमें ड्रेस हैं जो भी आपको ड्रेस अच्छी लगती है उस ड्रेस को आपको सेलेक्ट कर लेना उसी में अपना फ़ोटो सेट करना है तो हम यहाँ पर ट्रेडिशनल वाले के अंदर चलते हैं और यहाँ पर ये वाला जो है शेरवानी इस पर हम अपना फ़ोटो सेट करते हैं तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो फ़ोटो को हमें ऊपर लेके आना है अब फोटो में यहाँ पर जो हमारी साइड से ही जगह बच रही है यहाँ पर टी शर्ट दिख रही है इसको हमें काटना है रिमूव करना है तो यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर इरेजर पर फिर से क्लिक करना है अब यहाँ पर हमें उसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेना है हार्ड स्मूदनेस को थोड़ा हमें कम कर लेना है तो हमें क्या करना है इस पर इस तरीके से हाथ से करना है तो ये हट जाएगा अगर गलती से आपसे ज़्यादा हट जाता है तो आप अंडों पर क्लिक करके इसको वापस कर सकते हैं तो हम इसको हटा देते हैं जहाँ जहाँ टी शर्ट है सिर्फ टी शर्ट को ही हटा देना है और बाकी बॉडी जो है रहने देना है अब हमें डन पर क्लिक कर देना है तो अब हमें इस फोटो को इस ड्रेस में फिट करना है थोड़ा छोटा है बड़ा करके देखना है जहाँ पर सही लगता है उस हिसाब से इसमें सेट कर लेना है तो हमारा फोटो सेट हो चुका है लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी साइड से जो है गर्दन बची हुई है दोनों साइड से तो हम इसको इरेज कर देते हैं इरेज पर क्लिक कर देते हैं फिर इरेजर पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा जो बचा हुआ है पार्ट उसको हम यहाँ से सही कर लेते हैं काट देते हैं फालतू जो भी आ रहा है थोड़ा सा इधर फालतू है इसको थोड़ा सा हम काट रहे हैं डंड क्लिक कर देते हैं तो हमारा फोटो बिल्कुल सेट हो चुका है तो हमें क्या करना है डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फोटो सिर्फ सेव हो जाएगा ये फ़ोटो जो सेव करेंगे हम ये बिना बैकग्राउंड का होगा सिर्फ फ़ोटो फोटो होगा इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा बिना बैकग्राउंड का हमारा फोटो सेव हो चुका है अब हमें बैकग्राउंड इसमें चेंज करना है अगर बैकग्राउंड लगाना है तो हम बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर बैकग्राउंड के ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड भी यहाँ पर मिल जाएंगे तो आपको जो भी इसमें से बैकग्राउंड अच्छा लगता है उस बैकग्राउंड को भी आप अपने फोटो पर अप्लाई कर सकते हो फोटो पर बैकग्राउंड लगा सकते हो तो हमें ये वाला बैकग्राउंड जो है अच्छा लग रहा है कहाँ गया वो ये वाला कहाँ गया कहाँ ये वाला बैकग्राउंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हम इसको सेट करके इस पर सेव पर क्लिक कर देते हैं तो ये वाले बैकग्राउंड के साथ में हमारा फोटो सेव हो जाएगा अगर आपको सादा बैकग्राउंड लगाना हो तो बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये कलर वाले बैकग्राउंड आ रहे हैं ये वाला आपको जो भी इसमें से कलर वाला अगर बैकग्राउंड कोई अच्छा लग रहा है तो उस कलर वाले बैकग्राउंड पर करके फोटो को सेव कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा था स्किन टोन का अगर आपका चेहरा जो है काला है या फिर ज़्यादा गोरा हो गया तो उसके हिसाब से अपने चेहरे की स्किन को चेंज कर सकते हैं देख सकते हैं जैसा भी आपको चेहरा रहना हो हाँ, उस हिसाब से अपने स्किन टोन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं तो ये तो वैसा ही सही है स्किन टोन जैसा हमारा था हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने जो भी फ़ोटो सेव किए वो हमारे फ़ोटो गैलरी में आ गए हैं और फ़ोटो आपको दिखाते हैं कैसे इसमें बने हैं तो ये वाला फ़ोटो बिना बैकग्राउंड का है इस पर आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं फिक्सार्ट या फिर किसी भी ऐप से अपनी पसंद से ये वाला बैकग्राउंड जो मैंने लगाया था वो वाला है और ये वाला सादा बैकग्राउंड वाला जो है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर